दोस्तों आज हम बात करेंगे 80-90 के दशक के मशहूर अभिनेता और बॉलीवुड के पहले डैशिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती की। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर अपने आप को शीर्ष अभिनेताओं के बीच स्थापित किया है। आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, फिल्मी करियर और पॉलिटिकल करियर और निजी जीवन से रूबरू करवाएंगे और हम ये भी बताएंगे कि मिथुन दा एक नक्सली से फिल्म स्टार कैसे बने। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों उनका जन्म 16 जून साल 1950 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम गौरांग चक्रवर्ती था। उन्हें लोग मिथुन दा और दादा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से ही पूरी की और उसके बाद कोलकाता के मशहूर कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीएससी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किया। फिल्मों में अधिक रुचि होने के कारण वो भारतीय फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे से जुड़े और वहीं पर अभिनय का कोर्स किया। इसके बाद उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। बहरहाल पुणे से अभिनय सीखने के बाद वो फिल्मों की तलाश में निकल पड़े। साल 1976 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बंगाली फिल्म से की। निर्देशक मृणाल सेन के निर्देशन में बनी फिल्म मिर्गया में वो दिखाई दिए और बतौर अभिनेता उन्हें उनकी पहली ही फिल्म में बड़ी सफलता हासिल हुई। उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। हालांकि अच्छे अभिनय की बदौलत उन्हें उसी साल उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला और वो उनके करियर की दूसरी फिल्म थी जिसका शीर्षक था दो अनजाने। गुलाल गुहा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्हें एक सहायक भूमिका निभाने को मिला। बतौर मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री के तौर पर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा शामिल थे। हालांकि इस फिल्म से मिथुन को कोई खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने बतौर सहायक अभिनेता साल 1977 में राज तिलक द्वारा निर्देशित और साल 1978 में टी प्रकाश राव के निर्देशन में बनी फिल्म हमारा संसार में नजर आए जो उनकी तीसरी और चौथी फिल्म साबित हुई, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। छोटी और सहायक भूमिका करते करते वो फिल्मकारों की नजरों में आने लगे। उन्हें किरदार मिलते गए और वो अपने किरदार को निभाते गए। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और साल 1982 में बब्बर सुभाष द्वारा निर्देशित फिल्म डिस्को डांसर से उन्हें वो पहचान मिली जो आज तक कायम है। बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में वो दर्शकों के दिल पर छा गए। उनके द्वारा किए गए शानदार डांस और अभिनय ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया जिसमें अभिनेत्री किम रीता ओब्रॉय के रूप में दिखाई दी। फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया, खासकर मिथुन के शानदार डांस को। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वो मुझे इंसाफ चाहिए, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं, गुलामी, डांस डांस, प्यार का मंदिर, जीते हैं शान से और दुश्मन जैसी शानदार फिल्मों में नजर आए। साल 1990 में मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म अग्निपथ में उन्होंने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया जिसमें उनके साथ मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन भी नजर आए। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन मिथुन के अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया। साल 1995 में आई फिल्म जल्लाद उनके अभिनय करियर के लिए काफी अच्छा रहा। टीएलवी प्रसाद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने दमदार अभिनय किया जिसमें वो दोहरी भूमिका में नजर आए, एक नायक और दूसरा खलनायक। दर्शकों द्वारा उनकी खलनायकी को काफी पसंद किया गया। उसके बाद साल 1996 में एक बार फिर टीएलवी प्रसाद द्वारा निर्देशित फिल्म मुकद्दर में वो नजर आए। उनके अलावा फिल्मों में आयशा झुलका, सिमरन, मौसमी चटर्जी, हेमंत बिरजे, पुनीत इसर और किरण कुमार जैसे कलाकार भी शामिल थे। मिथुन के दमदार एक्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि 90 के दशक में वो बॉलीवुड में छाए रहे। उनकी टक्कर में कुछ गिने चुने अभिनेता ही थे। उन्होंने आगे कई और हिट फिल्में दी जैसे की तड़ीपार, द डॉन, लोहा, चांडाल, यमराज, गुंडा, चिंगारी। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई जैसे वीर, ओ माय गॉड, गोलमाल 3। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और इसके साथ ही बंगाली, उड़िया, भोजपुरी जैसी भाषाओं की फिल्मों में भी अभिनय किया है। फिल्मों के अलावा वो राजनीति में भी सक्रिय हैं। साल 2013 से लेकर 2016 तक वो सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे। उसके बाद साल 2021 से वर्तमान तक वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय हैं।
उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने साल 1979 में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की। इससे पहले योगिता ने मशहूर प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार से शादी की थी, जो महज 2 साल तक ही चला, लेकिन तलाक देने के बाद वो मिथुन से शादी कर ली। कहा जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। उसके बाद दोनों में प्यार हो गया। मिथुन ने अपनी पत्नी के साथ कई सारी फिल्मों में अभिनय किया है। आपको बता दें कि मिथुन का अफेयर श्रीदेवी और हेलेना लुके जैसी अभिनेत्रियों के साथ रहा है। कहा जाता है कि हेलेना लुके के साथ उन्होंने साल 1969 में शादी किया और उसी साल दोनों का तलाक भी हो गया, लेकिन श्रीदेवी को लेकर वो काफी चर्चा में रहे। कहा जाता है कि मिथुन और श्रीदेवी ने शादी भी कर ली थी, लेकिन उस वक्त तक वो योगिता को अपनी पत्नी बना चुके थे। योगिता ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया कि उनको मिथुन और श्रीदेवी की शादी के बारे में पता था और यहाँ तक कि उन्होंने श्रीदेवी को मिथुन की पत्नी के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन जब श्रीदेवी ने मिथुन से योगिता को छोड़ने के लिए कहा तब उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और जिसके चलते उसके बाद श्रीदेवी उनसे अलग हो गई। मिथुन के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। तीनों बेटों के नाम है महाअक्षय, उष्मय और नमाशी चक्रवर्ती। उनकी बेटी का नाम है दिशानी चक्रवर्ती, जिसे उन्होंने और उनकी पत्नी ने गोद लिया था। दरअसल दिशानी को कोई कूड़ेदान में फेंक कर चला गया था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसे पाला। महाअक्षय चक्रवर्ती एक इंडियन स्टार हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन अभी तक वो अपने पिता की तरह फिल्मों में नाम नहीं कमा पाए हैं। महाअक्षय की पत्नी का नाम अभिनेत्री मडलसा शर्मा है, जिससे उन्होंने साल 2018 में शादी की। तो वहीं पर उष्मय चक्रवर्ती भी एक अभिनेता, फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर हैं। मिथुन के 3रे बेटे नमाशी चक्रवर्ती भी एक फिल्म अभिनेता हैं। मिथुन के पिता का नाम बसंतो कुमार चक्रवर्ती और माता का नाम शांति रानी चक्रवर्ती है। इसके अलावा उनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका एक भाई था जिसका नाम सोमनाथ चक्रवर्ती था, लेकिन बिजली के करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनकी 3 बहनें भी थी, जिनमें से उनकी एक बहन का नाम कल्याणी बनर्जी है और बाकी के बारे में उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मिथुनदा फिल्मों में आने से पहले नक्सली विचारधारा के करीब थे, लेकिन उनका पूरी तरह से मोह भंग तब हुआ जब उन्होंने एक हादसे में अपने भाई को गवा दिया। दरअसल नक्सल आंदोलन के दौरान ही एक हादसे में उनके भाई को करंट लगने से मौत हो गई। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों द्वारा उनके जीवन को काफी खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता है और जो एक बार वहां जाता है उसके लिए वापस आना और शुरू से अपनी जिंदगी शुरू करना लगभग असंभव है। लेकिन उन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया और एक नया जीवन शुरू किया। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और लोगों के बीच जीवन में एक नई आइकॉनिक दर्जा प्राप्त करने में प्रमुख कारण बना। फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे साल 1977 में फिल्म मृग्या और साल 1993 में तहेदर कथा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और साल 1996 में फिल्म स्वामी विवेकानंद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा साल 1990 में फिल्म अग्निपथ के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और साल 1995 में फिल्म जल्लाद के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। साथ ही उन्हें कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, मार्शल आर्ट में अच्छी पकड़ और फिल्मों में शानदार अभिनय के चलते आज वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। डिस्को डांसर में अपने डांस से सभी को प्रभावित करने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कई सारी फिल्मों में शानदार अभिनय करके दर्शकों का दिल जीता है और उन्हें रोमांचित किया है। लोग आज भी उन्हें उतना ही पसंद करते हैं जितना कि 80-90 के दशक में करते थे। 72 साल के हो चुके मिथुन को उनके चाहने वाले हमेशा याद करते रहेंगे। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।